नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज बात करेंगे बिहार के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। अब हम बात करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर विष्णुपद मंदिर की। भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बना यह मंदिर विष्णुपद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटती है। इस मंदिर को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि पितरों के तर्पण के पश्चात इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से समस्त दुखों के नाश होते हैं और पूर्वज पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय है। अब हम बात करते हैं हरिहरनाथ मंदिर की। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर में स्थित है। सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। एक समय था जब यहाँ विश्व के लोग अपने पशुओं को बेचने के लिए आते थे और खरीदने के लिए आते थे, लेकिन बदलते परिवेश में कई चीजों में बदलाव किया गया है। यह मेला 30 दिनों तक चलता है। मान्यताओं के अनुसार सोनपुर में 2 जानवरों का युद्ध हुआ था, इस कारण यहां पशु की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव का मंदिर है, इसीलिए इसे हरिहरनाथ मंदिर कहा जाता है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग बाबा हरिहरनाथ का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक महीने में यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर की। बाबा गरीबनाथ मंदिर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर को बिहार का देवघर कहा जाता है। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगती है। सावन महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आने वाले शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि बाबा गरीबनाथ मनोकामना लिंग के नाम से मशहूर हैं। अब हम बात करते हैं सीतामढ़ी स्थित माँ जानकी मंदिर की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है माता सीता का जानकी मंदिर। नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान हजारों भक्त मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक बार भीषण अकाल पड़ने से पुरोहितों के सलाह के अनुसार यहाँ हल से खेत जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें धरती से एक पात्र मिला जिसमें शैशा अवस्था में एक कन्या थी। राजा जनक उस कन्या को अपने घर जनकपुर ले गए और सीता का नाम दिया, इसीलिए सीता को वाल्मीकि रामायण में जानकी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बिहार के सूर्य मंदिर के बारे में। पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में देव स्थित ऐतिहासिक त्रेता युग का पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर अपनी कलात्मक भव्यता के लिए प्रख्यात है। सदियों से देशी विदेशी पर्यटकों, श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। भक्तों की माने तो इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से किया था। देव स्थित भगवान भास्कर का विशाल मंदिर अपने अप्रतिम सौंदर्य और शिल्प के कारण सदियों से श्रद्धालुओं, वैज्ञानिकों एवं आम जन के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के निर्माण काल के संबंध में उसके बाहर ब्राह्मणी लिपि में लिखित और संस्कृत में अनुवादित एक श्लोक जड़ा है, जिसके अनुसार 12,16,000 वर्ष त्रेता युग के बीत जाने के बाद एला पुत्र पुरुर्वा एल ने देव सूर्य मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही और दर्शनीय स्थानों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।